राधा। अगला श्लोक हमें क्या सीख देने वाला है जानते हैं। युत्स्य मानना वेक्ष्य हम यह एते अत्र समांगता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्रे युद्रदे प्रिय चिकी सर्व। इस श्लोक का अर्थ, यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन ये बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरीके षड्यंत्र रचे, हमें अपमानित करने के लिए कई तरह के उद्योग किए। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी थे, पर उसको भी यह हड़पना चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसा तो इसकी दुष्ट बुद्धि है और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह ऐसा काम करें, ऐसे बात बताएं जिससे अपने मित्रों को लोक परलोक में हित हो। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके उल्टे उसको बढ़ाना चाहते हैं। दुर्योधन युद्ध कर युद्ध में उसकी सहायता करने के लिए उसका पतन ही करना चाहते हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन हित किस बात में है, उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक किस बात से सुधरेगा, इस बातों को वह विचार ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये राजा लोग उनको ये सलाह देते हैं कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रख लो और पांडवों को आधा राज्य पांडवों को दे दो, तो दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता है और उसका परलोक भी सुधरा रहता है। इन युद्ध के लिए उतावले होने वाले को जरा मैं देख तो लूँ, उन्होंने अधर्म का न्याय का पक्ष लिया है, इसलिए मैं हमारे समान टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि इनके मन में युद्ध की ज़्यादा आ रही है, देखो सही ही है ये कौन है। अर्जुन को ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण क्या किया किसको संजय आगे के श्लोकों में समझाते हैं, कहते हैं। तो नया श्लोक हम जान लेते हैं। एव मुक्तो हर्षिकेशो गुड़ाकेशन भारत सैन्यो रूभ्यो मृद स्थाप पियक्त्वा रथोत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वशाम च महिषिताम उवाच पार्थ पाश्य चान सवेता न कुरुनित। इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है यहाँ पे कि गुड़ा नाम के मुड़े हुए का है, केश नाम बालकों का है, जिसके सिर बाल मुड़े हुए हैं, घुंघराले हैं, उनका नाम गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश का नाम निद्रा का है, ईश का नाम स्वामी का है, निद्रा स्वामी है, अर्थात निद्रा ले चाहे न ले, ऐसा ही जिसका निद्रा पर अधिकार है उसका नाम गुड़ाकेश है। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, उनको गुड़केश कहा गया है। जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता, वह विषय भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है, भक्त होता है। उस भक्ति की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेना के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया। ऋषिकेश इंद्रियों का नाम है, ऋषिकेश है जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी है, उनको ऋषिकेश कहते हैं। पहले 21वें श्लोक में यहाँ ऋषिकेश कहने का तात्पर्य है कि मन बुद्धि इंद्रियों आदि सबके प्रेरक है, सबको आज्ञा देने वाले हैं, वही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए हैं। ये उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। दोनों सेना के बीच जहाँ खाली जगह थी, वहाँ भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। उस रथ को श्री
भगवान ने विलक्षण चतुराई ऐसे जगह खड़ा किया कि जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म विदा के संबंध वाले आचार्य द्रोण कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। पद में धृतराष्ट्र के पुत्रों और पांडव के पुत्रों ये दोनों आ जाते हैं कि क्योंकि ये दोनों की कुरुवंशी है, युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं। इन कुरुवंशों को देख ऐसा कहने का तात्पर्य है कि कुरुवंशियों को देख अर्जुन के भीतर ये भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही हैं, तो हैं इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के।